व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम उत्कर्ष पांडे, आप देख रहे हैं टेक लीनियर। आपका आज की हैशटैग न्यूज 8 में बहुत बहुत स्वागत है। खासकर जो मेरी वीडियो रोज देखते हैं यार, उनके लिए तो यार बहुत लवली लवली हर्ट्स है उनके लिए। और जो यार मेरी वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं, अभी जाकर के मेरे चैनल को यार जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए रेड वाली बटन को, और जाकर के बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही रोज जो है मजेदार टेक न्यूज आपके लिए रोजाना लाता रहता हूं। और सबसे पहले जो टेक न्यूज आज आपकी तरफ से वो एप्पल की तरफ से है। ऐसा जो है रूमर्स आ रहे हैं कि एप्पल का जो ऑफिशियल इवेंट है वो नेक्स्ट मंथ मत जाए यानी कि सितंबर में ही होने वाला है। मतलब जो इसमें सबसे बड़ी चीज इसमें जो बताया जा रहा है कि आईफोन 13 इसमें लॉन्च हो सकता है, वॉच 7 आ सकती है इसमें, एयरपॉड्स 3 आ सकते हैं, आईपैड मिनी 6 आ सकता है, मतलब इतने सारे चार चार चीजें आ सकती हैं। देखते हैं क्या चीज है और कैसी कैसी प्राइसिंग होती है। आप में से किसी को एप्पल के प्रोडक्ट्स के खरीदने के लिए इंतजार कर रहे हैं तो यार प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर। और सबसे बड़ी चीज दूसरी ये है कि जैसे कि आपको पता है ऑनर X20 जो स्मार्टफोन है 5G वो इंडिया में आने वाला है, तो उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन 2 दिन पहले ऑफिशियली खुद ऑनर जो है बता दी है। इसमें 6.67 इंच की IPS डिस्प्ले होगी जो कि फुल HD प्लस डिस्प्ले होगी, 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ होगी। और इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है MediaTek का Dimensity 900 प्रोसेसर लगा हुआ है, और ये 8GB और 6GB दो वेरिएंट के साथ सबसे बड़ी चीज तो आने वाला है। और साथ ही साथ में दूसरी साइड में इसमें आपको जो है 64 मेगापिक्सल का जो है आपको मेन सेंसर कैमरा मिलता है जो कि EIS के साथ आता है। इसमें ध्यान रखिए OIS नहीं, OIS ज्यादा अच्छा होता है, इसमें EIS है। और सबसे बड़ी चीज इसमें कि आपको 4300mAh की बैटरी होगी, और दूसरी चीज इसमें आपको 66 वॉट का फास्ट चार्जिंग मिलेगा, मतलब कि पूरी फुल बैटरी नॉर्मल से वाला 35 मिनट में फुल चार्ज होने वाली है। अब देखते हैं इसकी प्राइसिंग क्या होती है। अगर अंडर 20,000 रुपीज का ये स्मार्टफोन आता है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात होगी ये। और फिर इसकी जो है जैसे कि आपको पता है IQ G3 से मैं इसकी कंपैरिजन जरूर लेकर के आऊंगा। स्मार्टफोन अगर आता है अंडर 20,000 तो ऊपर होगा तो ओवर प्राइसिंग होगी, फालतू का फोन होगा फिर ये आपके लिए। अगली जो टेक न्यूज आपकी तरफ से वो फिर से ऑनर की ही है। ऑनर जो है आपको जैसे कि पता है स्मार्टफोन लेकर के आ रहा है बहुत ही ज्यादा बेहतरीन हर दिन इंडिया में, और लेकिन ऑनर ने अपना जो है IMAX के साथ अपनी पार्टनरशिप कर ली है। आपको जैसे कि मैं बता दो IMAX क्या है। IMAX पहले तो हाई रेजोल्यूशन कैमरा बनाने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, और साथ ही साथ में इनके जो है खुद के थिएटर्स हैं, फिल्म थिएटर्स हैं, प्रोजेक्टर्स ये बनाते हैं हाई रेजोल्यूशन के, और भी कई सारी चीजें ऐसे बनाते हैं ये। तो उसके बाद इन्होंने पार्टनरशिप कर ली अपने स्मार्टफोन के लिए। अब देखते हैं अगली बार मतलब क्या स्पीकर्स, प्रोजेक्टर और क्या कैमरा के जो लेंसेज होते हैं वो क्या IMAX की तरफ से आते हैं कि नहीं आते हैं। जैसे कि आपसे बहुत सारे लोग देखते होंगे जो कोई मूवी देखते हैं उसमें IMAX शुरुआत में जरूर लेकर के आता है, आप जाकर के गूगल कर सकते हैं इसको IMAX। मतलब अब देखते हैं ऑनर के भी फोन अगले जो है जो नेक्स्ट है या अभी जो स्मार्टफोन फ्लैगशिप आने वाला है उसमें क्या IMAX का कुछ प्रोडक्ट हमको मिलते हैं कि नहीं। अगली जो टेक न्यूज आपकी तरफ से वो सैमसंग की तरफ से है। सैमसंग ने अपना जो है E920 जो है अपना चिपसेट जो है 5nm का जो है लॉन्च कर दिया है, और ये बताया जा रहा है कि जो कल जो इवेंट होने वाला है 11 अगस्त को उसमें जो वॉच 4 होने वाली है उसमें ये 5nm का चिपसेट एक वॉच में लगाने वाले है। ये स्मार्टफोन जो कंपनी है, मतलब आप खुद सोचो यहाँ लोगों के जो है स्मार्टफोन जो मोबाइल है उसमें अभी तक लोगों के जो है 7nm की चिपसेट जो है बहुत कम लोगों के पास है, यहाँ 5nm की चिपसेट स्मार्ट वॉच में लगा रही है। तो नॉर्मल सी बात है जो वॉच की प्राइसिंग होगी ओवर होने वाली है 30,000 के अबव ही होगी, मुझे ऐसा लगता है। मैं भी 30,000 के अंदर बैठा था, 5nm का चिपसेट 30,000 के अबव ही होने वाला है। आपकी तरफ से वो जो है OnePlus जो है जो 6 के यूजर्स हैं और 6T के यूजर्स हैं उनके लिए खासकर ये है कि उनके लिए बीटा वर्जन का जो है अपडेट आ गया है एंड्रॉइड 11 का जो बीटा वर्जन है वो उनके लिए आ गया है। अब जाकर के आप अगर आपको बीटा वर्जन की टेस्टिंग करनी है जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं बीटा वर्जन और जाकर टेस्टिंग कर सकते हैं। इसका जो स्टेबल वर्जन होगा बताया जा रहा है वो 20 अगस्त या 20 अगस्त के पहले आ जाएगा। और दूसरी जो टेक न्यूज आपकी तरफ से वो है आपके लिए Realme C3 स्मार्टफोन है, उनके लिए भी बहुत बढ़िया खबर है स्टेबल। ये ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं ओपन प्लस की बता रहा था, इसमें आपको जो है एंड्रॉइड 11 का स्टेबल वर्जन आपको अपडेट आ गया, जाकर के अभी तुरंत ही डाउनलोड कर लीजिए। अगली जो टेक्नोलॉजी है आपकी तरफ से वो फिर से जो है मोटरोला की तरफ से आपको मैं बता दूं। मोटरोला का जो अगस्त 17 को जो है उसका स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है S20 फ्यूजन, तो ये स्मार्टफोन की डिबेट भी होगी उसी दिन अगस्त 17 को 12 बजे। आप जो है 12 PM पे आप बिल्कुल भी रेडी रहिएगा और देख सकते हैं और क्या क्या स्पेसिफिकेशन आएंगे और क्या क्या चीजें अभी बताया तो नहीं गया, उसी दिन सारी चीजें पता चलने वाली है। और जो दूसरी टेक्नोलॉजी है वो खासकर जो है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया में जो लोग जो चीटिंग करते हैं इंडिया में और मतलब जो लोग हैकिंग करके घुस जाते हैं गलत तरीके से घुस जाते हैं उनके लिए बैड न्यूज है। आपको तो पता ही होगा पहले से ही कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया BGMI ने 3,36,000 जो है जो अकाउंट्स है वो परमानेंटली डिलीट कर दिए हैं। ये पूरा जो प्रोसेस था वो 30 जून से लेकर के जो है 7 अगस्त तक मतलब 1 वीक के अंदर ये पूरा हुआ है, 5 अगस्त के अंदर मतलब 1 वीक के अंदर ये पूरा प्रोसेस हुआ है। और बहुत ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि जो है BGMI ने बोला है कि मैं बिल्कुल फ्री हैकिंग और फ्री चीटिंग वर्जन बिल्कुल इंडिया में जो है हमेशा रखूंगा। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा लोग जो मैंने भी गेम्स खेला था बहुत ज़्यादा हैकिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा उसमें आने लग गया था, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है ये अगर ऐसा हो गया है तो।
अगली जो टेक न्यूज आपके लिए खासकर वन प्लस वालों के लिए है, वन प्लस का जो वॉच है, जो लोग जो है वन प्लस की वॉच जो है वियर करते हैं या फिर खरीदने की सोच रहे हैं, उनके लिए खासकर ये चीज़ है कि वन प्लस अपना एक्सक्लूसिव हैरी पॉटर एडिशन लेके आने वाला है। अब ये हैरी पॉटर एडिशन में पता नहीं क्या क्या और हो सकता है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि आपको हैरी पॉटर एडिशन एक्सक्लूसिव 6 फेसेस जो है मिलने वाले हैं, जो कई सारे फिल्म स्टार है और कई सारे लोगों के हिसाब से होंगे, हॉलीवुड बॉलीवुड सब कुछ, बॉलीवुड तो नहीं होगा हॉलीवुड ही होगा। तो इंडिया में भी ये लॉन्च होगा, हैरी पॉटर एडिशन थोड़े दिन में लॉन्च होने वाला है और लिमिटेड एडिशन ही होगा, मतलब बहुत कम ही एडिशन मिलेंगे जिसके बाद होगा उसका लिमिटेड एडिशन होगा। जो टेक न्यूज़ है वो वन प्लस की तरफ से ही है, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ है आपको मैं ये बता दूँ कि मतलब इतनी ज़्यादा खराब मुझे लगा है ये सी न्यूज़ सुन करके, वन प्लस का जो नॉट टू स्मार्टफोन है फिर से ब्लास्ट हो गया है, एक्सप्लोड हो गया है फिर से वो। और बताया जा रहा है कि जो है जिनके घर में ये फटा है स्मार्टफोन, उनके बेडशीट पर रखा था वो, जो है पूरी पूरी बेडशीट उनकी पूरी पूरी जल गई और जो यूज़र था उसका बेचारा पूरा पूरा ट्रॉमा में आ गया है। मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा कि वन प्लस नॉट टू, मतलब कुछ ना तो कुछ पक्का ऐसी दिक्कत है, मतलब पहला स्मार्टफोन था कोई बात नहीं। वन प्लस कह रहा है कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस प्रोसेस में, अब देखते हैं और भी क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब से मुझे डर लगने गया है कि वन प्लस नॉट टू के बारे में लोगों को बताने के लिए मैं उसका ऑलरेडी कंपेरिजन लेकर आने वाला था LG Wing के साथ, लेकिन लाना तो पड़ेगा ही, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा एक्सप्लोड होना बिल्कुल भी नहीं अच्छा है वन प्लस जैसे बड़े बड़े ब्रांड के लिए। देखते हैं आगे क्या होता है, आप लोग भी जरूर आवाज़ उठाइए वन प्लस नॉट टू हैशटैग ऐसा ब्लास्टिंग जो है वो भी है, अपना हैशटैग ट्रेंडिंग जरूर चलाइए। जो अगली टेक न्यूज़ है आपके लिए वीवो के लवर्स के लिए, खासकर वीवो का जो X70 फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, वो बताया जा रहा है कि जैसे ही वो IPL रिज्यूम होगा इंडिया में 2021 का, तुरंत ही वो अपना स्मार्टफोन लॉन्च कर देंगे, क्योंकि वीवो IPL जैसा कि बोला जाता है उसी के साथ से अपना स्मार्टफोन लॉन्च कर देंगे। ये फ्लैगशिप स्मार्टफोन होगा, इसमें आपको MediaTek का Dimensity 1200 प्रोसेसर दिया जाएगा और साथ ही साथ इसमें आपको Android 11 के साथ मिलेगा। आप देखते हैं और भी क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसी कैसी चीज़ें आती हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहा हूँ वीवो किसी वाले स्मार्टफोन के लिए। अब लेट्स सी और क्या क्या हो सकता है। अगली जो टेक न्यूज़ है खासकर उनके लिए जो लैपटॉप्स खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा इंतजार करें, फ्लैगशिप लैपटॉप को खरीदना है बहुत ज्यादा हाई परफॉर्मेंस के साथ, तो आपके लिए खुशखबरी है कि HP ने अपना जो है NY14 और 2021 और NY15 2021 ये दो लैपटॉप इंडिया में लॉन्च कर दिए हैं। और ये बताया जा रहा है कि इसमें आपको 16 आवर्स का बैटरी प्लेबैक टाइम मिलने वाला है, मतलब बहुत ज्यादा होता है, मतलब अगर चलिए 16 आवर्स कंपनी करी तो या 10 आवर्स का तो मिल ही जाएगा गिरी से गिरी हालत में भी। और बताया जा रहा है कि आपको मैं इसकी प्राइसिंग बता देता हूँ, प्राइसिंग लीक हो चुकी है इसकी पूरी पूरी और ये ऑफिशियल प्राइसिंग है। ये बताया जा रहा है इसकी जो अगर NY14 होगा इसकी जो प्राइस होगी 1,04,999 होगी और जो NY15 होगा उसकी जो प्राइसिंग होगी 1,54,999 होगी, मतलब 1 लाख और मतलब 1,00,000-1.5 लाख के दोनों लैपटॉप्स आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मतलब महंगे तो हैं, मैं ये बोलूँगा सस्ते लैपटॉप्स बिल्कुल भी नहीं है। और लेट्स सी और भी क्या क्या चीज़ें आएगी, 11th जनरेशन के साथ ये लैपटॉप इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं, i7 के प्रोसेसर के साथ आ सकते हैं, i5 के साथ आते हैं, लेकिन इंटेल का ही प्रोसेसर होगा, अभी ये चीज़ तो कन्फर्म हो गई है। और भी देखते हैं और भी क्या क्या चीज़ें आई हैं। टेक न्यूज़ आपके लिए वो COVID-19 से रिलेटेड टेक न्यूज़ है आपके लिए, आपको मैं बता दूँ जैसे कि आप जो COVID-19 की टेस्टिंग कराने जाते थे PCR टेस्ट होता था आप लोग जो कराने जाते थे, इस टेस्ट को जो है MIT यूनिवर्सिटी हॉवर्ड की जो है उसने एक डिवाइस बनाई हुई है, जैसे कि आप इमेज भी देख सकते हैं, इन्होंने बताया है कि आप होम में ही आसानी से ये टेस्टिंग कर सकते हैं, विद इन 1 आवर की ये टेस्टिंग हो जाएगी, मतलब 1 आवर या 15 मिनट्स के अंदर जो है ये टेस्टिंग पूरी पूरी घर ही पर कर सकते हैं। और ये बता दिया जाए इसकी जो एक्यूरेसी रेट है वो PCR टेस्ट के बराबर ही माना जा रहा है, पूरा 99% एक्यूरेसी रेट इसको बोला गया PCR टेस्ट, मतलब वो माय गॉड PCR टेस्ट को भी हम लोग 90% तक बोलते थे, इसको 99% हॉवर्ड यूनिवर्सिटी ने घोषित कर दिया। अब देखते हैं यार बहुत ज़्यादा अच्छी डिवाइस ये बनाई है जो है एक मतलब इंडिया में, तो खासकर इस डिवाइस की बहुत ज़्यादा जरूरत है, जल्दी से इंडिया में जरूर ये डिवाइस आ जाए। आज की जो आखिरी टेक न्यूज़ है वो आपके लिए सोनी की तरफ से है, सोनी का जो लवर्स है आजकल जो उनका होम थिएटर और होम बॉक्स जो है इस्तेमाल करते हैं या फिर खरीदने के लिए रुके हुए हैं, उनके लिए ये टेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि सोनी के जो SRS सीरीज के स्पीकर हैं वो जो है 3 स्पीकर इंडिया में लॉन्च हो गए हैं वायरलेस वाले, सोनी का XP700, XP500 और XG500 तो ये 3 स्पीकर्स इंडिया में लॉन्च हो गए। इसकी जो प्राइसिंग बता दे रही है स्टार्टिंग प्राइस 29,000 से स्टार्ट हो गई और 32,000 तक की इसकी हाईएस्ट प्राइसिंग जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लैगशिप स्पीकर बना रहा है सोनी की स्पीकर्स, मैं बहुत ज़्यादा लव करता हूँ सोनी की स्पीकर्स को, मतलब सोनी का जो है XM हेडफोन्स होते हैं और सोनी की स्पीकर्स होते हैं, मतलब वे बेटर देन मुझे तो यार बोस के स्पीकर इतने भी नहीं अच्छे लगते जितने ज़्यादा ये सोनी के स्पीकर्स होते हैं। अब लेट्स सी और भी क्या क्या चीज़ें इसमें आएंगी। और ये इसी तरीके से आज की टेक न्यूज़ होती है खत्म, आज की टेक न्यूज़ 8 जो है #8 है आज की खत्म हो जाती है। और सबसे बड़ी बात जो लीजेंड्स हैं यार, सबसे पहले जाकर वीडियो को जरूर देख रहे हैं आप, तो यार शेयर करिए चैनल को, जरूर सब्सक्राइब करिए यार, और ऐसे में आपके लिए टेक न्यूज़ रोज लाता रहता हूँ। अब MiPad 5 की जो लॉन्चिंग हो गई है आज के समय में, उसकी भी आपके मैं न्यूज़ आके बताता रहूँगा, तो यार जाके सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को, मैं बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें आपके लाता रहूँगा। और मेरा जो टेक न्यूज़ यार जो मेरा चैनल है जो है टेक लीनियर शॉर्ट्स जो चैनल है वहाँ भी जाकर के देख सकते हो, मैं बहुत ज़्यादा फनी वीडियो वहाँ पे डालते रहता हूँ। तो कुछ इसी तरीके से वीडियो होती है आज की खत्म, तब तक के लिए स्टे फिट स्टे हेल्दी एंड टाटा बाय बाय।